तो हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं यूपी के वृंदावन में, कृष्ण नगरी में, और आज आपको चीर घाट के दर्शन करवाएंगे। तो जो मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं, ये कदम का पेड़ है। यहीं पर कृष्ण भगवान ने गोपियों के चीर चुराए थे और यही पेड़ वो है। यही पेड़ से कृष्ण भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई थी और काल नाग से तीन दिन तीन रात लड़ाई करने के बाद में यहीं पर विश्राम किया था। तो यही वो पेड़ है, देख सकते हैं आप, कदम का पेड़। तो जस्ट चीर घाट के सामने यमुना नदी है, तो यही वो जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने वो पेड़ से छलांग लगा के काल नाग से लड़ाई किया था। तो यही वो जगह है, देख सकते हैं आप, यमुना नदी। चीर घाट है, कदम का वृक्ष है, इसी जगह भगवान ने गोपियों के चीर चुराए। चीर चुराने के कारण घाट का नाम पड़ा चीर घाट, भगवान का नाम पड़ा चीर बिहारी। अच्छा, इसी कदम के पेड़ पर से छलांग लगाई भगवान ने, यमुना में तीन दिन तीन रात काली नाग से युद्ध किया। अच्छा। और फिर जाकर के नंद भवन में विश्राम किया। अच्छा। पहले काली देना था, पीछे किया बिहार, और जिनका मन माने नहीं, देखो भागवत सार। अच्छा, भागवत अच्छा। में वर्णन है, इसी नंद भवन में अपने माता पिता को भगवान ने चार धाम का दर्शन कराया था। जो हरिभक्त कलयुग में चार धाम नहीं कर पाता है, यहाँ आकर भगवान का दर्शन करके भोग लगाने मात्र से चार धाम यात्रा का फल मिलता है। चीर चुराने के कारण भगवान का नाम पड़ा चीर घाट, कालिया नाग को नापने के कारण भगवान का नाम पड़ा कालिया मर्दन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।